कहानी की शुरुआत होती है और हम मित्सुको को देखते हैं जो कि बाकी लड़कियों के साथ बस में थी और कुछ लिख रही थी। तभी कुछ लड़कियां उसे डिस्टर्ब करती हैं जिससे उसका पेन नीचे गिर जाता है। जब वो पेन लेने के लिए नीचे झुकती है तभी हवा का एक झोंका आकर उस बस से टकराती है और सभी लोगों को एक ही साथ काट देती है। मित्सुको जब ऊपर उठकर ये देखती है तो डर से शॉक में चली जाती है। बस से उतरकर वो जल्दी से भागना शुरू कर देती है। हवा का वो तेज झोंका उसके पीछे ही आ रहा था तभी सामने उसे चार लड़कियां जाते दिखती हैं जिनसे वो झुकने को कहती है और एक लड़की को लेकर नीचे झुक जाती है, लेकिन बाकी तीन लड़कियों को हवा बीच से ही काट देती है। अभी दोनों खुद को संभाल पाए इससे पहले ही उन्हें कुछ और लड़कियां साइकिलिंग करते हुए आती दिखती हैं। वो इन्हें रोक पाए इससे पहले हवा इन लड़कियों को भी केक की तरह काट देती है और मित्सुको ने जिस लड़की को बचाया था वो भी मारी जाती है। मित्सुको अब खुद की जान बचाए इसलिए वो दौड़ने लगती है और एक नदी के पास आ पहुंचती है। नदी के पास वो देखती है कि वहाँ पर और भी कई सारी कटी हुई लाशें पड़ी हुई थी। यहाँ पर मित्सुको इन लाशों के कपड़े से अपने कपड़े एक्सचेंज कर लेती है और अपने चेहरे पर लगा हुआ सारा खून साफ कर लेती है, जिसके बाद वो फिर से रास्ते में बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़ने लगती है। मित्सुको चलते चलते कुछ स्कूल स्टूडेंट्स के बीच आ पहुँचती है जो उससे पूछते हैं कि मित्सुको तुम कैसी हो, लेकिन मित्सुको उन्हें नहीं जानती है। तभी मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड यहाँ पर आती है जिससे मित्सुको पूछती है कि क्या वो आकी है और क्या हम एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, जिस पर आकी कोई भी जवाब नहीं देती। मित्सुको को उसकी बेस्ट फ्रेंड भी याद नहीं थी और पिछले सीन से हमें इतना तो मालूम था कि ये दोनों एक स्कूल में नहीं थे, क्योंकि पिछले सीन में मित्सुको का स्कूल यूनिफॉर्म अलग था। अब हम देखते हैं कि आकी और मित्सुको आर मोर देन जस्ट फ्रेंड्स, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करती हैं एंड हमें पता चलता है कि ये दोनों लेस्बियंस हैं। अब यहाँ पर हवा का एक झोंका आता है जिससे मित्सुको डर जाती है और स्कूल में आकर छिप जाती है। आकी ये देखकर परेशान हो जाती है और मित्सुको से इसके बारे में पूछती है, जिस पर मित्सुको उससे कहती है कि आज सुबह से एक बहुत ही बुरा सपना आया था जिसमें हवा के झोंके ने बहुत सारे लड़कियों को आधे में काट कर मार डाला। ये सुनकर आकी मित्सुको को समझाने लगती है कि हवा तो हर रोज की तरह ही है और हवा कैसे किसी को मार सकती थी। मित्सुको को अच्छा महसूस कराने के लिए आकी अपनी और दो दोस्त टेको और सुर के साथ क्लास बंक करने का प्लान करते हैं, लेकिन बाहर उनकी क्लास टीचर उन्हें पकड़ लेती है, पर वो चारों यहाँ पर टीचर के सामने ही भाग जाती हैं, जिस पर टीचर उन पर पीछे से ही चिल्ला रही थी। ये चारों स्कूल से जंगल के तालाब में आ जाते हैं जहाँ पर आकी बाकियों को मित्सुको के अजीब सपने के बारे में बताती है। इस पर सुर कहती है कि मित्सुको का सपना सच भी हो सकता है, किसी दूसरे रियलिटी में, किसी दूसरे इन्फिनिट यूनिवर्स में, यानी कि अंतहीन ब्रह्मांड में अंतहीन रियलिटीज एग्जिस्ट करते हैं, तो हो सकता है कि वो सच हो। इस बात को समझाने के लिए अब सुर लेक में एक पत्थर फेंकती है और उन सबसे कहती है कि मैंने लेक में इस रियलिटी में पत्थर फेंका, लेकिन दूसरे ब्रह्मांड की दूसरे रियलिटी में हो सकता है कि मैंने पत्थर ना फेंका हो। जिसके बाद अचानक से एक मगरमच्छ टेको पर हमला कर देता है और उसे मार गिराता है, पर यह रियलिटी नहीं था। दरअसल सुर उन्हें बस एक एग्जाम्पल दे रही थी कि किसी दूसरे रियलिटी में टेको के साथ ऐसा हुआ होगा, लेकिन यहाँ पर हमारे टेको सही सलामत है। यहाँ इन्हें जंगल में एक बिस्तर लगा हुआ दिखता है जिसके तकिए से ये चारों खेलने लगती हैं और तभी मित्सुको को दो लड़कियाँ दिखाई देती हैं जिनमें एक लड़की ने वेडिंग ड्रेस पहनी हुई थी, यानी कि उन दोनों लड़कियों ने आपस में ही शादी कर लिया था। अब सुर मित्सुको को एक बात बताती है कि हमारी डेस्टिनी लिखी जा चुकी है और अगर हमें हमारी डेस्टिनी को चेंज करना है तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जो कि अनएक्सपेक्टेड हो, यानी कुछ ऐसा जिसकी कल्पना भी ना कर सकें। अभी अपने स्कूल में वापस आकर दोबारा क्लास में बैठ जाते हैं। मित्सुको देखती है कि जिस तकिए के साथ वो लोग जंगल में खेल रहे थे वो क्लास के फर्श पर पड़ा हुआ था। उसे लेने के लिए झुकती है और तभी उनकी क्लास टीचर सब पर मशीन गन से गोली चलाकर सबको मार देती है और फिर मित्सुको फिर से अकेली बच जाती है। टीचर उसे गुस्से से कहती है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई क्लास बंक करने की। तभी सुर और टेको मित्सुको को लेकर एक दूसरी क्लास में छिप जाते हैं। क्लास में इस बार उनकी एक दूसरी टीचर आती है और टेको को मार देती है। सुर मित्सुको को लेकर भागने लगती है, लेकिन पीछे से टीचर सुर को भी गोली मार देती है। मरने से पहले सुर मित्सुको से कहती है कि तुम्हें डेस्टिनी को हराना होगा, जिसके बाद मित्सुको और बाकी की लड़कियां स्कूल से जान बचाने के लिए भागने लगती हैं। स्कूल की बिल्डिंग से सारे टीचर अलग अलग गन से उन्हें मारने लगती हैं और गिन चुन कर अब कुछ ही लड़कियां बची हुई थी जिन्हें फिर से एक हवा का झोंका आकर मार डालती है और बच जाती है सिर्फ मित्सुको। अकेली उठ वो एक पुलिस स्टेशन की ओर भागती है और पुलिस से अपने स्कूल के हादसे के बारे में बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पुलिस
मित्सुको को एक अलग ही नाम से बुलाने लगती है और कहती है कि किको, तुमने स्कूल ड्रेस क्यों पहना हुआ है, तुम्हारी तो आज शादी होने वाली है। और हम देखते हैं कि मित्सुको का चेहरा अब पूरी तरह से बदल चुका था। पुलिस उसे उसकी शादी के वेन्यू के लिए चर्च पर ले जाता है, जहाँ पर रास्ते भर मित्सुको को लोग बस कॉन्ग्रेचुलेशन के को ही कह रहे थे। चर्च पर मित्सुको आके को देखती है। आके को देखकर उसे थोड़ी राहत मिलती है और वो उसे पूछती है कि आखिर हो क्या रहा है। आके कहती है कि अभी हम किसी के कंट्रोल में हैं और वो हमें देख रहे हैं, और उसे बताती है कि वो मित्सुको और केको दोनों हैं। घबराओ मत, जैसा मैं कहूँ वैसे कर दी जाओ। इसके बाद आके मित्सुको को उसकी वेडिंग गाउन पहनाती है और फिर एक एक करके उन सभी लड़कियों को मारने लगती है जो शादी देखने आई थी, जिसके बाद वो मित्सुको को जाने को कहती है। मित्सुको एक टूटी हुई ग्लास बोतल लेकर स्टेज पर जाने लगती है, जहाँ पर सब लड़की उसे बधाई दे रही थी। लेकिन अचानक से फिर सभी लड़कियाँ अपने कपड़े उतार कर मित्सुको यानी कि केको को चिढ़ाने लगती हैं। किसी तरह मित्सुको स्टेज पर आ जाती है, जहाँ पर एक ताबूत रखा था और ताबूत के अंदर से एक बहुत ही भद्दा स्वर निकलता है। ये देखकर मित्सुको डर जाती है और टूटी हुई ग्लास बोतल से उस स्वर मॉन्स्टर को मार डालती है और फिर बाकी लड़कियों को भी मारने लगती है। तभी आकी यहाँ पर आकर मित्सुको को ले जाने लगती है, लेकिन सामने काले कपड़ों में दो लड़की उनका रास्ता रोके हुई थी। मित्सुको और आकी उन दोनों को पीट कर यहाँ से भाग जाती हैं। बाहर आने के बाद आकी मित्सुको को भागने के लिए कहती है। मित्सुको भाग कर जब दूसरी ओर आती है, जहाँ पर आईने में उसे दिखता है कि उसका चेहरा फिर से बदल गया है। तभी उसके पास कुछ गर्ल एथलीट्स आते हैं और उसे अब इजुमी नाम से बुला रही थी। इजुमी से वो दोनों कहती हैं कि उन्हें ये रेस जीतनी होगी। भागते वक्त उसे अपने अंदर एक एनर्जी फील होती है और वो पूरा ध्यान रेस जीतने में लगा देती है। रेस के एंड लाइन के करीब उसे अपने मरे हुए दोस्त दिख रहे थे, जो पहले ही स्कूल में मारे जा चुके थे, और फिर वहाँ पर आकी भी आ जाती है। भागते हुए ये दोनों नोटिस करते हैं कि वहाँ पर उनके पीछे वही पिग डीमन और लड़कियाँ थी जो उन्हें चर्च में रोकने की कोशिश कर रही थी। यहाँ मित्सुको की डेड फ्रेंड सुर और टेको से कहती है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, इस दुनिया से तुम जल्दी बाहर निकल जाओ। भागते हुए मित्सुको एक अंधेरी टनल में आ जाती है, जहाँ पर स्कूल यूनिफॉर्म में कुछ स्कूल की स्टूडेंट्स थी और वो मित्सुको की ओर आकर कहती हैं कि हम सभी मर चुके हैं और तुम्हें भी मार देंगे। लेकिन तभी आके यहाँ पर आकर उसे बचा लेती है और कहती है कि इजुमी तुम अपना नाम पुकारो, जिस पर मित्सुको कई बार अपना नाम को दोहराती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो फिर से अपने असली रूप में आ जाती है। इसके बाद आकी मित्सुको से अपने हाथ में लगी दो वायर्स को खींचने के लिए कहती है, जिससे आकी मर सके और मित्सुको इस वर्ल्ड से बाहर निकल पाएगी। मित्सुको आकी को मारना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके जोर देने पर वो वायर्स को खींच देती है, जिससे आकी के दो टुकड़े हो जाते हैं और टनल में एक पोर्टल खुल जाती है। उस पोर्टल से बाहर आने के बाद अब वो आदमी की दुनिया में आ चुकी थी। अब दीवार पर वो अपने पोस्टर लगे हुए देखती है। फिर एक लड़का उसके पास आता है और कहता है कि तुम फ्यूचर में हो, जिसे सुनते ही वो बेहोश हो जाती है। जैसे वो होश में आती है तो वो आगे बढ़ती जाती है और देखती है कि एक बूढ़ा आदमी उस गेम को खेल रहा था, और उस गेम में मित्सुको के वो सारे एवेटार्स दिखाई देते हैं जो वो ऑलरेडी बन चुकी थी। बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि ये गेम उसने बनाया है और वो इसे खेल रहा था। मित्सुको बहुत ही पहले मारी जा चुकी थी और उसके डीएनए से इस बूढ़े आदमी ने दोबारा उसे क्रिएट किया था। मित्सुको जब ये बात पता चलती है कि ये गेम है, तो उसे बाहर निकलने का सोचती है, और फिर एक लड़का यहाँ पर आता है और उसे अपने पास बुलाता है, जिस पर बूढ़ा आदमी मित्सुको से कहता है कि जाओ और जाकर अपना फाइनल गेम ख़त्म करो, जिस पर मित्सुको डरती हुई उस लड़के के पास जाती है। इसी दौरान उसे सुर की कही हुई वो बात याद आती है कि अगर उसे अपनी डेस्टिनी चेंज करनी होगी तो उसे कुछ ऐसा करना होगा जो अनएक्सपेक्टेड हो, जिसके बाद वो उस आदमी के गले को दबा देती है और फिर उस बूढ़े आदमी की छड़ी को अपने ही पेट में दे मारती है, क्योंकि दिस वॉज द अनएक्सपेक्टेड। बूढ़े ने इस चीज़ के बारे में सोचा भी नहीं था और गुस्से से चिल्लाने लगता है। और अब हम मित्सुको के हर एक करेक्टर को देखते हैं जो कि किसी न किसी तरह से सुसाइड कर रहे थे, जिससे कि वो लोग डेस्टिनी को बदल देते हैं। और अब हम मित्सुको को देखते हैं जो कि रियल दुनिया में सेफली वापस लौट आई थी, एंड मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी मेरी पूरी एक्सप्लेनेशन ऑन द मूवी टैग। अगर आपको मेरी ये मेहनत ज़रा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड